दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम पर डिग्री को लेकर लगातार हमले के बाद अब इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की एंट्री हो गई है। जानकारी के मुताबिक सिसोदिया ने जेल से देश के नाम चिट्ठी लिखकर पीएम के पढ़े लिखे होने का सवाल उठाया है। इस चिट्ठी में और क्या क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं OTT इंडिया। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं और पिछले कुछ सालों में देश भर में 60,000 स्कूल बंद किए गए हैं। सिसोदिया ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पीएम जब ये बात कहते हैं कि गंदी नाली से गैस निकालकर चाय बनाई जा सकती है, तब मेरा दिल बैठ जाता है। मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम लिखी चिट्ठी में पीएम मोदी की संवैधानिकता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपनी लिखित चिट्ठी में कहा है, चूंकि देश के पीएम कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनको गले लगाकर ना जाने कितने कागजों पर साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो तो कम पढ़े लिखे हैं। सिसोदिया ने आगे लिखा, आज देश का युवा महत्वाकांक्षी है, वो कुछ करना चाहता है और वो अवसर की तलाश में है, वो दुनिया जीतना चाहता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो कमाल करना चाहता है। क्या एक कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आज के युवा के सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है? हाल के सालों में देश भर में 80,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए, क्यों? एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है तो सरकारी स्कूलों की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए थी। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें OTT इंडिया।